देखिए कितना टेस्टी पकौड़ा बनकर तैयार हुआ है, वो भी मिनटों में, और कितना क्रिस्पी बना है। ये देखिए, इसकी आवाज़ से आपको पता चलेगा कि ये कितना क्रिस्पी बना है, और ना ही इसमें ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है और ना ही कुछ भी बाहर से सामान लाने की। मिनी किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी पकौड़ा, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाला है और बहुत ही अलग तरीके से बनाने जा रही हूँ। तो आप मेरी रेसिपी को पूरा फुल वॉच करें। तो दोस्तों, मैंने पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैं बना ले रही हूँ बैटर। तो बैटर बनाना बहुत ही सिंपल है, तो इसे मैं बना ले रही हूँ। पहले मैंने ले लिया है 3 चम्मच मैदा और 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर, नमक स्वाद अनुसार, और इसमें डाल लेंगे चिली फ्लेक। तो मैं इसमें चिली फ्लेक डाल रही हूँ, देखने में ये बहुत ही बढ़िया लगेगा चिली फ्लेक डालने से। अगर आपके पास चिली फ्लेक ना हो तो आप इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, और इन सबको अच्छी तरह से मिलाकर इसका एक गाढ़ा बैटर बना लेंगे। देखिए, मैं इसमें पानी डाल रही हूँ और इसे बिल्कुल अच्छी तरह से घोल लेंगे, जिससे इसमें बिल्कुल एक भी लम्स ना पड़े, और इस बैटर को बनाकर अच्छी तरह से एक तरफ रख लेंगे। तो मैं इसमें और थोड़ा सा पानी डाल दे रही हूँ, और डालकर मैं इसका एक गाढ़ा सा बैटर तैयार कर लूँगी। ये बैटर तैयार हो चुका है और ये पकौड़ा बिल्कुल नए तरीके का बनेगा और बहुत ही लाजवाब टेस्टी बनेगा। तो आप इस पकौड़े को बिल्कुल देख कर बनाएं। और ये देखिए, मैंने इसके लिए ले लिया है 3 बड़े उबले हुए आलू, और इसे मैशर से अच्छी तरह से मैश कर ले रही हूँ। और ये देखिए, मैंने ले लिया था 1 गाजर कद्दूकस किया हुआ, 1/2 कैप्सिकम छोटे टुकड़ों में कटा हुआ, 1/2 प्याज छोटे टुकड़ों में कटा हुआ, और थोड़ा सा हरा धनिया जिसे मैंने बारीक काट लिया था। इन सबको मैं आलू के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगी, जिससे कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से आलू के साथ मिक्स हो जाए। आप चाहे तो इसमें अपनी पसंद की और भी कोई सब्जी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इन सारी सब्जियों के साथ बना रही हूँ। बच्चे गाजर वगैरह खाना नहीं चाहते तो आप इस तरह से बना खिला सकते हैं। और इसमें डाल दे रही हूँ मैं नमक स्वाद अनुसार, और इसमें डाल दे रही हूँ थोड़ा सा जीरा गुड़ा पाउडर, जिससे कि इसका एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। और इन सबको अच्छी तरह से मैश कर लेना होगा। और अब हम इस पकौड़े में डाल लेंगे सबसे मेन चीज़, इस पकौड़े की जान, मैगी मसाला। और इस मैगी मसाला को डालते ही ये पकौड़ा का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा, और बच्चे लोग तो ऐसे ही मैगी बहुत पसंद करते हैं। तो आप इस तरह से मैगी मसाला डालकर इस पकौड़े को बनाकर बच्चे को टिफ़िन में दे सकते हैं। और ये देखिए, मैं इस पकौड़े को, आलू को अच्छी तरह से मैश कर ले रही हूँ, और इन सबको अच्छी तरह से मैश करने के बाद ये देखिए, मैंने ले लिया है नूडल्स मैगी, जिसे मैंने मिक्सर में हल्का सा ग्राइंड कर लिया है, जिससे ये छोटे छोटे टुकड़ों में कट टूट चुका है। तो अब मैं आलू को अच्छी तरह से गोल कर ले रही हूँ। जिस तरह से हम कोफ्ते बनाते हैं, उसी तरह से हमें आलू को लेना है और इसे अच्छी तरह से गोल कर कर के रखते जाए। और ये देखिए, मैं इसे दोनों हाथों से अच्छी तरह से गोल कर ले रही हूँ। इसे आप बिल्कुल अच्छी तरह से गोल कर लें। पकौड़ों को बनाकर एक प्लेट में रखते जाएंगे, जिससे कि इसे तलने में सुविधा हो। और ये देखिए, मैंने सारे पकौड़ों को रख लिया है प्लेट में। और ये जो मैंने मैदा और कॉर्नफ्लावर का बैटर बनाया था, इसे मैं इस आलू के मिश्रण को डुबो ले रही हूँ। और अब मैं देखिए, इसके ऊपर से अच्छी तरह से मैगी को कोट कर ले रही हूँ, जिससे कि ये बिल्कुल क्रिस्पी बनेगा। आप इसमें मैगी अच्छी तरह से बिल्कुल लगा दें, जिससे कि ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी पकौड़ा बनकर तैयार होगा और बिल्कुल नए और अलग टाइप का पकौड़ा बनेगा। देखिए, तेल को मैंने गर्म कर लिया था, मैंने रिफाइंड ऑयल लिया था जिसे मैंने गर्म कर लिया है। और इसमें मैं अब पकौड़ों को डालते जाऊँगी, और इसे मुझे धीमी आँच पर तलना है, जिससे कि ये अंदर से बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाए और बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी बनकर तैयार हो। तो देखिए, मैं इसे किस तरह से तल ले रही हूँ। आप भी इसे बिल्कुल इसी तरह से तल कर बनाएं, और मेरी रेसिपी को पूरा फुल वॉच करके बनाएं, जिससे कि आपका भी पकौड़ा बिल्कुल टेस्टी बनेगा। और आपके घर में अगर कोई अचानक से मेहमान आ जाए तो आप इसे बना कर दे सकते हैं। इसके लिए आपको बाहर से कोई भी सामान लाने की ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, मैं पकौड़ों को एक तरफ से जब अच्छी तरह से पक जाए, तब इसे दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। और ये देखिए, मैं इसे दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक ले रही हूँ। और ये देखिए, ये कितनी अच्छी तरह से बन जा रहा है, और कितना देखने में कितना क्रिस्पी लग रहा है।
अब पकौड़े को हम धीमी आंच से बिल्कुल अच्छी तरह से तल लेंगे और इसे ज़्यादा नहीं पलटे ना टूट सकता है। पकौड़े की रेसिपी को आप एक बार ज़रूर से ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि आपको मेरे पकौड़े की रेसिपी कैसी लगी। नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक करें। फ्रेंड्स, पकौड़ा बनकर तैयार हो चुका है। आप इसे हरी चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आज की रेसिपी यहीं पे ख़त्म होती है, मिलती है दूसरी रेसिपी में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे और मस्त रहे और मेरी वीडियो को ज़रूर से देखते रहे।